हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, एक स्टॉक्स है, काफी बारे बात बात करी है। ओके, मेघमानी आज 4% अप है, लगभग 5% ही अप है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैं इसे लेने की, मतलब कल लेने की सोच भी रहा था। ओके, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न बन रहा था, बट कोई नहीं ले पाए, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेघमानी से रिलेटेड। क्यों क्यों ये स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा नजर आते हैं, क्यों ये स्टॉक्स यहाँ से और अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। और दो वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, तो लॉटो SML सुजू जहाँ से डबल हो सकते हैं, और मनाली पेट्रोकेम यहाँ पर आज शेयर खरीदा है, तो यहाँ पर शेयर की तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर किससे रिलेटेड, ऑब्वियसली बात है मेघमानी से रिलेटेड। ओके, और जानेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर चार्ट में क्या नजर आता है, कि यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आप ट्विटर पे हमें यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर चार्ट डालते रहते हैं, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर चाहे तो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू और हमसे हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके के स्टॉक्स आपको पहले ही मिल जाए करेंगे। तो मेघमानी की बात करें तो एक केमिकल कंपनी है। ओके, और इसी में से एक स्टॉक्स पैदा हुआ था जिसका नाम MFL है। ओके, MFL शेयर अगर मैं यहाँ पर डालूं तो आपको पता चलेगा MFL 250 से 300 रुपए से यह शेयर किस तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और बार बार मैंने यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड बातें भी करी है, इससे भी रिलेटेड बातें करी थी, बट हम अभी बात करने वाले हैं मेघमानी से। तो यहाँ पर MFL तो अच्छा है ही है, बट मेघमानी यहाँ पर हम बात करें एक बेहतरीन कंपनी नजर आती है। गुजरात इंडस्ट्रीज में यहाँ पर 1986 में फाउंड करी गई थी, 1995 में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी मेघमानी ऑर्गेनिक्स के नाम से। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पिगमेंट्स एंड द एग्रोकेमिकल्स थ्रू इट्स 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड इन गुजरात। तो यहाँ पर 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में जो लोकेटेड है, उसमें एग्रोकेमिकल्स और पिगमेंट्स से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। और जहाँ पर आप देख सकते हैं, द कंपनी इज अमॉन्ग द टॉप 3 फाइटोसेनेन बेस्ड पिगमेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड अमॉन्ग द टॉप 10 प्रोड्यूसर ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। तो टॉप 10 में भी ये पर्टिकुलर स्टॉक्स आता हुआ दिखाई देता है। तो इस शेयर की तरफ आप ध्यान दीजिए। और अगर बात करें प्रिंटिंग जो इंक होती है, प्लास्टिक, पेंट्स, टेक्सटाइल, लेदर एंड रबर, इसमें इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हुए दिखाई देते हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी नजर आती है। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो एक बार जाके इनकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, इससे आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि कंपनी यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रही है। और ज्यादा जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में तो ट्रांसक्रिप्ट और PPT, ये दो चीजें यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, तो और भी ज्यादा इस कंपनी के बारे में आपको जानने की जान पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल्स। तो 3290 करोड़ की, मतलब माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी है, और इस तरीके की स्मॉल कैप कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी ऐसी कंपनीज रही है जो कि यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी बनी है और लैक्स ऑफ परसेंट के रिटर्न दिए। मैं 1000% और 100% के रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लैक्स ऑफ परसेंट के यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर ऐसी कंपनीज ने दी है। जाके इनके बिजनेस के बारे में जानना है तो जाके एक बार देख सकते हैं यहाँ पर कि किस किस तरीके से यहाँ पर एग्रोकेमिकल्स के बिजनेस में है, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं किस पिगमेंट के बिजनेस में है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलेगी। कंपनी से लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है, 3rd largest यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में है, 6 इनकी इंटीग्रेटेड गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 650+ CIBN एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ 4 कार्गो बिजनेस में है, 7.5 बिलियन कैपेक्स प्लांट है जो कि 2 से 3 साल में के अंदर अंदर यहाँ पर होना है, 36+ यहाँ पर ब्रांड ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड्स है, 75+ कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका। कंपनी लगातार यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती आई है और स्मॉल कैप कंपनी है। के साथ साथ बात करें 9 के मल्टीप्लाई पे है, और बात करें मल्टीपल के है, और जबकि इंडस्ट्री का P28 का, तो कहीं ना कहीं सस्ता नजर आता है। ROC ROE काफी बेहतरीन है, 24% का, डेट 34% का, 152 का हाई लगा के 129 पे शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, लगभग 2021 में ये शेयर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया और तब से एक साइडवेज जोन में चलता हुआ नजर आ रहा है। बट ये एक अब अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न देती हुई नजर आएगी, क्यों कंसोलिडेशन 1 से 1.5 साल का यहाँ पर हो चुका है। नंबर्स की बात करें, कंपनी के नंबर लगातार अच्छे आ रहे हैं और इस बार के भी नंबर अच्छे खासे थे, 783 करोड़ की सेल्स थी,
एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंपनी का मटेरियल कॉस्ट कम होता हुआ दिखाई दिया, बट एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, वो हम समझ सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंक्रीमेंट्स प्रमोशंस वो सब चीज देने होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 17% है, क्योंकि तो फ्लैट आता हुआ एक तरीके से आप कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट 109 करोड़ का जो क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे 700 करोड़ से लगभग 2800 करोड़, लगभग कितने फोर टाइम्स यहाँ पर कंपनी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट 150 करोड़ से 350 करोड़, तो यहाँ पर डबल प्रॉफिट हो गया है कितने साल में, 2 साल के अंदर अंदर। रिजर्व्स कंपनी के बढ़ गए हैं, बोरिंग भी साथ साथ बढ़ी है, और 188 करोड़ रुपए का कैपेक्स अभी यहाँ पर लगा रखा है। जब ये यहाँ ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की सेल्स और बढ़ेगी, और केमिकल इंडस्ट्री तो बेहतरीन है ही है, सारे पैसे केमिकल में लगा दो, मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है। कैश की बात करें 11 करोड़ का कैश है। इसके अलावा बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.29% की है, FIs की 1.44, और पब्लिक की बात करें लगभग 49% का यहाँ पर पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है, उसमें से कुछ लोगों के पास है। तो मेघ मनी की अगर हम बात करते हैं, मेघ मनी का चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं पहले शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखी है, उस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखिए बार बार इसे रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आई थी इसे रिस्पेक्ट किया, और ये जो कैंडल बन रही थी ना यही बता रही थी, यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर छोटे छोटे बन रहे थे ये बता रहे थे कि शेयर ऊपर जाएगा, बट जाने के बाद यहाँ पर कहाँ एक रेजिस्टेंस सामने नजर आता था वहीं कोई आज यहाँ पर रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है, और जब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से क्रॉस करेगा तो याद रखिए एक सीधे यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, जो कि मुझे लगता है यहाँ तक, ओके यहाँ तक या पूरे के पूरे यहाँ ही समझिए कि यहाँ तक जाती हुई दिखाई देती है। और कितने परसेंट के रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 15% के तो रिटर्न ये हो गए आपके, 15-16% के, और बट चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, ये कप और ये हैंडल, इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर टारगेट डिसाइड करते हैं तो लगभग लगभग यहाँ पर आप देखिए ये टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं 192 के, बट यहाँ पर छोटे टारगेट है। अब बड़े टारगेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए एक कप बन रहा है, कप बनने के बाद यहाँ पर एक पूरा हैंडल बन रहा है, और इस बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो कितने परसेंट के टारगेट बनते हैं, लगभग 216, तो ये शेयर यहाँ से सीधे 216% के रिटर्न, आप 216 मतलब 67% 68% के रिटर्न देने की काबिलियत यहाँ पर रखती है। एक लंबा कंसोलिडेशन पर्टिकुलर शेयर ने किया है, तो हर चीज आप यहाँ पर तोल सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर यहाँ पर अच्छा नजर आता है, शेयर यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम अच्छे खासे है। यहाँ पर बात करें RSI की तो RSI ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अब शेयर रुकने नहीं वाला, अब शेयर यहाँ पर केवल भागने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियोज आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे, और आप हमें यहाँ पर ट्विटर हर जगह पर फॉलो करिए ताकि इस तरीके के शेयर बहुत जल्दी आपको मिले, ब्रेकआउट होने से पहले मिले। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।